देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ऐसे में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जो कि रोज 2 रोटी को भी मोहताज हैं, और उन्हीं का पेट भरने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर रोज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों का खाना बनाकर उन तक पहुंचा रही है। दरअसल दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में खाना बनाया जा रहा है और उसको बांटा जा रहा है। फिलहाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के गावड़ी इलाके में हैं और यहाँ पर एक ये गुरुद्वारा है, गावड़ी ए ब्लॉक है इसका ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर भी करीब 2000 लोगों का हर रोज खाना बन रहा है। 1000 लोगों का खाना सुबह बनता है और 1000 लोगों का खाना शाम को बनाया जाता है और उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो कि अपना रोटी का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जितने सेवादार हैं वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सब्जी धोते हैं, काटते हैं, उसके बाद आटे को गूंदा जाता है और उसके बाद इस तरीके से खाना बनाया जाता है। काफ़ी मेहनत लगती है और न केवल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बल्कि आसपास के तमाम जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, वो यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस 2000 लोगों का खाना बनाकर उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो हमारे को हमारे गुरु साहिबान का फलसफा है कि मानवता की सेवा करनी है और ऐसे समय में कमेटी द्वारा अलग अलग जगह पे उन गरीब मजदूर लोगों को जो भूख के कारण तरफ कर दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करी गई है। उसी चरण में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गावड़ी में 18 तारीख से लंगर की व्यवस्था चालू करी है। शुरू में ये लंगर 1000 लोगों के लिए बनता था लेकिन अब इसकी संख्या 2000 लोगों की सुबह और शाम को पहुंच गई है और ये लंगर उन लोगों के लिए जहां पर, जैसा मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मुझे करावल नगर से कल टेलीफोन आता है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो खाना दिया जा रहा है लोग उस खाने को इनकार कर रहे हैं खाने से, कि चावल कच्चे हैं, दाल पकी हुई नहीं है और रोज़ एक ही तरह का खाना खाने को मिल रहा है। तो हम इस व्यवस्था को आने वाले समय में और भी बढ़ा सकते हैं। जितनी हमारी समर्था हुई इस क्षेत्र में इस माध्यम से, गुरुद्वारा साहब के माध्यम से लोगों के घर घर तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था वहां हमारे साथी गुरमीत सिंह जी, मेहर सिंह जी, युद्धवीर सिंह डडवाल जी कर रहे हैं और इसमें हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले अकेले सिख समाज का नहीं और दूसरे वर्गों के लोगों का, हिंदू समाज का खासतौर से विशेष सहयोग इस लंगर में चल रहा है और ये लंगर जब तक चलेगा, जब तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा या दिल्ली में कहीं ना कहीं हमें कोई भूखा इंसान कहीं से भी टेलीफोन करे, उसके लिए हमने ये व्यवस्था यहाँ बनाई है। सर ये बताइए कि 2000 लोगों का आप लोग रोज खाना बना रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, 2000 लोगों का बनाता है, 2000 सुबह 2000 शाम। कब से बना रहे हैं यहाँ पर? ये 18 तारीख से शुरू हुआ है, पहले 1000 का शुरू हुआ था 18 तारीख को, बढ़ते बढ़ते 2000 हो गया है। 2000 का बना रहे हैं। सुबह कितने बजे शुरू करते हैं और कितना टाइम लगता है लगभग बनाने में? लगभग 7:30-8 बजे लग जाते हैं और 12-1 बजे तक बांट देते बना कर सुबह का, फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट का जो है 5-6 बजे तक जो है वो भी कर देते हैं। तो सेवादार की बात करें तो कौन कौन यहाँ पर सेवा कर रहा है? जी इसमें सेवा सभी लोग हैं, हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं, अपना गुरुद्वारे के भी कुछ कार्यकर्ता होते हैं और जो यहाँ से भोजन बन करके हमारा जो RSS के अनुसार नगर होते हैं, नगर के कार्यकर्ता यहाँ भाग ले आते हैं और वो घर घर बांटते हैं, जिनका जिनको जरूरत होती है उनकी लिस्ट बनी हुई है। अच्छा। तो घर पे पहुँचाया जाता है खाना, यहाँ हम लाइन लगवा के नहीं बांटते। अच्छा, सेवा भारती के कार्यकर्ता बांटते हैं? हाँ, सेवा भारती का आता है, संघ के कार्यकर्ता बांटते हैं, संघ के कार्यकर्ता होते हैं, सेवा भारती संघ एक ही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि संघ के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बैठे हैं, ये अभिसार जी हैं, ये भी संघ के पदाधिकारी हैं, ये भी इलाके में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उसके साथ साथ कई और भी पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के आज पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में सभी लोग मिलकर इसी तरीके से सेवा कर रहे हैं, आपस में मिलकर खाना बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो कमा नहीं पा रहे हैं और 2 रोटी का उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उन लोगों तक ये खाना लगातार पहुँचाया जा रहा है। मेरे सहयोगी अनमोल के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।